तेलंगाना विधानसभा भंग कर दी गई है। राज्य के गवर्नर ईएल नरसिम्हन ने मुख्यमंत्री की विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर अपनी मोहर लगा दी। इसके साथ ही राज्य में समय से पूर्व विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। नई विधानसभा गठित होने तक के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बात की संभावना है कि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे, जहाँ नवम्बर में चुनाव होने की संभावना है। तेलंगाना में केसीआर के नाम से मशहूर के चंद्रशेखर राव इस बात के संकेत एक महीने पहले से ही दे रहे थे कि वह राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं चाहते। समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के लिए उनकी पार्टी चुनाव आयोग तक दस्तक दे आई थी। केसीआर हाल ही में जब प्रधानमंत्री से मिले तो यही कयास लगाए गए कि वह विधानसभा भंग होने पर जल्द चुनाव में केंद्र की किसी भी रुकावट को टालना चाहते हैं। केसीआर को शायद इस बात का आश्वासन मिल गया कि यदि राज्य कैबिनेट विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेगा तो चुनाव समय से पहले कराने में कोई रुकावट नहीं आएगी। और आज केसीआर की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने का निर्णय ले लिया गया। केसीआर 6 के अंक को अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं, इसलिए विधानसभा भंग करने का निर्णय आज 6 सितम्बर को लिया गया। कैबिनेट का फैसला होने के बाद केसीआर दलबल के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को कैबिनेट के फैसले से अवगत कराया। राज्यपाल ने बिना देर किए कैबिनेट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। तेलंगाना में पहली विधानसभा के लिए मई 2014 में चुनाव हुए थे। विधानसभा का कार्यकाल मई 2019 में पूरा हो रहा है, लेकिन समय से पहले चुनाव को लेकर कई कारण गिनाए जा रहे हैं। राज्य में कांग्रेस का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। केसीआर की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जो नवंबर में हो सकते हैं, वहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा से ये राज्य छीन लिए, तो ऐसी हालत में तेलंगाना राज्य में कांग्रेस का उत्साह अपने चरम पर पहुँच जाएगा, जो टीआरएस की सेहत के लिए शुभ नहीं होगा। टीडीपी और कांग्रेस के बीच बढ़ती नजदीकी भी जल्द चुनाव कराने का एक कारण बनी है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला हो या फिर राज्यसभा में उपसभापति चुनाव, कांग्रेस और टीडीपी की बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत दे रही है कि दोनों में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है। टीडीपी का राज्य की कई सीटों पर प्रभाव है, ऐसे में कांग्रेस टीडीपी गठबंधन केसीआर का सरदर्द बन सकता है। बहरहाल इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य में टीडीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन लगभग तय है। ऐसे में केसीआर द्वारा जल चुनाव का दाव कितना कारगर होगा, यह चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।